काली फर्स्ट मु अपन माध्यम रे समस्त रे इन्फॉर्मेशन पाई कहि भी काली पंचुक प्रथम डे रे मोर देन 1.75 लाख डिवोटीज काली दर्शन करी चंती एटा रिकॉर्ड हेई छी लास्ट बहुत ईयर रा प्रथम दिन रा और सबू भल रे दर्शन सबू रा हेला और जो एंड टू एंड दर्शन व्यवस्था हमें काली हमें जो हमारा टारगेट थिला 500 487 पर्यंत हमें काली गलोनी जो जो स्पेशली एबल्ड डिवोटीज जो चली पार नाता और आज सेकेंड डे भी दर्शन भल रे चली छी और हमारा जो पुलिस अरेंजमेंट होबा कथा बैरिकेड एक्सटेंशन हो किंबा सीनियर सिटीजन शेड हो किंबा चेयर रा व्यवस्था करा हो सेटा भी करा ही छी और आगामी दिन रे मैं एक्सपेक्ट करूँ चुके प्रथम दिन रो भी अधिका भक्त माने आसीबे स्पेशली कार्तिक पूर्णिमा दिन से दिन हमें एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रा व्यवस्था करूँ छु निश्चय हमारा फर्स्ट डे जमी हमारा एता भारी मात्रा आसचंती हमें सेता को यहाँ टिके अधिका एक्सपेक्ट करूँ तापाई हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट भी हमारा माइंड रे हो जाइछि आज हमारा स्पेशल ब्रीफिंग भी होबो सीनियर ऑफिसर भी विजिट करिवे और सबूरा कोऑपरेशन रे काली जमती महाप्रभुरा कृपा रे भल रे हला मैं आशा करूँ कि सब जिन आगामी दिन रे भी भल रे होबो सर व्यवस्था केते सक्सेस है तो पब्लिक रा पब्लिक डिसाइड करिवे काली हमारा टोटल 143 हाँ सही है काली हमारा 143 फीडबैक आसची जो हमारा रिटर्न फीडबैक क्यू आर कोड रे 12 फीडबैक क्यू आर कोड रे आसची और भक्त माने बहुत भल रे लिखी चंती हमारा किसी ऑफिसर्स रा नाम भी सेठी दई चंती फीडबैक रे ताको हमें सबू पंचुक परे हमें फैसिलिटेट करिवो मो एबे इंटरेक्ट करथुली हमारा जो एनजीओज और वॉलंटियर्स छंती से माने भी तार साइड रु बहुत परिश्रम काली कर चंती लेकिन गोटे दिन रे होबो नहीं हमको 5 दिन रे पूरा जगीवार अच्छी और जो जो फर्दर हमको रिक्वायरमेंट दरकार पड़ी वो बेस्ड ऑन फीडबैक सीधा हमें काली रू इम्प्लीमेंट करवाको जाऊ छु सर अरेंजमेंट समान रहइबो ना नहीं नहीं अरेंजमेंट ऑगमेंट हमारा अरेंजमेंट डायनामिक थाए फॉर एग्जांपल काली मोर देन 1.75 लाख डिवोटीज करचंती तो ता अनुसार हमरा बहुत ऑगमेंट काली इवनिंग रे भी अपन देखी थे बहुत भारी मात्रा रे भक्त माने थिले 9टा पर्यंत बहुत रश थिला और आज जेमती कम अच्छी तो हमें डायनामिक अरेंजमेंट करू छु हमें डबल भी हो गला अगर भक्त माने सडनली डबल भी हो गले हमारा एक्सपेक्टेशन रो तापाई में हमारा कंटिजेंसी प्लान कंटिजेंसी बैरिकेड कंटिजेंसी वॉलंटियर्स कंटिजेंसी एनजीओ सबू हमें डायनामिकली ताको मोबिलाइज करके रखू छु और डिप्लॉय करू छु मेरा नाम नेहा चौधरी है और हम दिल्ली से आए हैं ये मेरा भाई उदित नागपाल एंड हिमांशु यहाँ पे आके जो शांति मिलती है वो सच में जो धाम के लिए जो हम आते हैं ना वो यहाँ पे आके वो सच में पूरा होता है कितनी भी थकावट हो कितनी भी तकलीफ से आप यहाँ पे आओ बट जैसे ही आप यहाँ पे आके इस दहलीज पे जैसे ही आप आओगे ना आपको जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। हम बहुत तकलीफ़ों से आए हमारा मतलब रिजर्वेशन भी नहीं था बट देन यहाँ पे पहुँचे सारी थकावट दूर और यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। हमें लगा कि जैसे हम हिंदी बोलने वाले हैं और आप लोग उड़ीसा या उड़िया बोलते हो हमें तकलीफ़ होगी हम समझ नहीं पाएंगे बट यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। थोड़ा सा भी कुछ पूछते हैं तो 4 लोग आके बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है लाइनें एकदम स्मूथ हैं ऐसा नहीं है कि हमें बहुत देर तक लाइनों में खचम खच लगना पड़ा एकदम बहुत अच्छे से आ रहे हैं दर्शन भी बहुत आसानी से हो रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है सबको यहाँ पे आना चाहिए और जय बाबा जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ड्रेस कोड जिन्होंने किया वो सही किया क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं और अपनी सभ्यता को पालन करना कभी भी गलत नहीं हो सकता तो ड्रेस कोड जो हुआ वो एकदम सही हुआ तो हमारा क्यों नहीं और वो हमारी सभ्यता से हमें जोड़ रहा है ये नहीं है कि वो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ऐसे कपड़ों में आना है वो एक्चुअली हमारी सभ्यता को हमें याद दिला रहा है कि हमें साड़ी सूट सलवार और पूरे कपड़ों में भगवान जी के दर्शन के लिए आना चाहिए। जय जगन्नाथ। अरे सही तो।